नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अपने पैरों पर फिर खड़ा हो सकता है विक्रम, कोशिशें जारी। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के गिरने से इसरो अभी निराश नहीं है। हालांकि विक्रम लैंडर अपने तय स्थान से करीब 500 मीटर दूर गिरा पड़ा है, लेकिन अगर उससे संपर्क स्थापित हो जाए तो वह फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वह टेक्नोलॉजी है जिससे वह गिरने के बाद खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जरूरी है जिससे उसे कमांड रिसीव हो सके। विक्रम लैंडर का एंटीना दबा, इसलिए आ रही है परेशानी। विक्रम लैंडर में ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जिससे वह खुद ही कई काम कर सकता है। चांद पर विक्रम लैंडर के गिरने से एंटीना दब गया है जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम को कमांड भेजी जा सकती थी। हालांकि अभी इसरो के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उस एंटीने के जरिए विक्रम लैंडर को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने का कमांड दिया जा सके। विक्रम लैंडर के थ्रस्टर सुरक्षित, ऐसे में उम्मीद बाकी। विक्रम लैंडर के नीचे की तरफ 5 थ्रस्टर्स लगे हैं जिससे से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ये थ्रस्टर्स अब भी सुरक्षित हैं। अगर ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए कमांड को सीधे या ऑर्बिटर के जरिए दबे हुए एंटीने ने रिसीव कर लिया तो थ्रस्टर्स को ऑन किया जा सकता है। थ्रस्टर्स ऑन होने पर विक्रम एक तरफ से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। चंद्रयान पर बोली महिका, देश के वैज्ञानिकों को सलाम। टीवी अभिनेत्री महिका शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही सफल होंगे। चंद्रयान 2 को असफलता के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अगली बार भारत चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। महिका ने कहा कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करती हूं जिनकी वजह से हम इस सफलता तक पहुंच पाए। महिका का कहना है कि वह लगातार चंद्रयान मिशन के सफल होने की प्रार्थना कर रही थी। 10 साल में चांद पर ठिकाना बना सकता है भारत। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक ए शिवाथानु पिल्लई ने कहा कि भारत 10 साल में चांद की सतह पर ठिकाना बनाने में सफल होगा। चांद पर हीलियम-3 के विशाल भंडार को देखते हुए भारत ऐसा कर सकता है। भारत महत्वपूर्ण पदार्थों और हीलियम-3 को धरती पर लाने के लिए चांद पर स्टेशन जरूर बनाएगा। हीलियम-3 को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह गैर विकिरण वाला पदार्थ है जिसमें यूरेनियम से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। चीनी खगोलविदों को अंतरिक्ष से मिले रहस्यमय सिग्नल। चीनी खगोलविदों को अंतरिक्ष की गहराई से रहस्यमय सिग्नल मिल रहे हैं। इन खगोलविदों ने FRB जैसे सिग्नल मिलने की बात कही है जो पृथ्वी से 3 बिलियन किलोमीटर दूर है। चीनी वैज्ञानिकों ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप के जरिए इन संकेतों का परीक्षण किया है। यूनिवर्स में FRBs को सबसे चमकीले धमाकों के तौर पर जाना जाता है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर वेल्लोर के नव दंपति को दी बधाई। वेल्लोर के राजशेखरन परिवार की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई संदेश मिला। दरअसल TS राजशेखरन ने अपनी बेटी की शादी में आने के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया था, लेकिन PM इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। इस पर मोदी ने पत्र लिखकर वरवधु को शादी की अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं दी। राजशेखरन रिटायर्ड मेडिकल रिसर्चर हैं। जल्दी शुरू होगी अमेज़न की ग्रेट इंडियन सेल, मिलेगा भारी डिस्काउंट। अमेज़न ने एक बार फिर अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की घोषणा की है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है। सेल के दौरान स्मार्टफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल सकता है। कंपनी का कहना है कि एक्सचेंज ऑफर्स, नो कॉस्ट EMI ऑफर, प्रोटेक्शन प्लान्स, एयर एक्सेसरीज पर डील्स आदि फायदे भी मिलेंगे। विराट कोहली से ज्यादा सैलरी मिलेगी हेड कोच शास्त्री को। टीम इंडिया के मुख्य कोच के तौर पर रवि शास्त्री की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। वह अगले 2 साल तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण के बाद शास्त्री को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिससे शास्त्री की सैलरी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह से ज्यादा हो जाएगी। इन तीनों को BCCI से हर साल क्रिकेट खेलने के लिए 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। दुनिया भर में साहू की सुनामी, मगर देश में छिछोरे भारी। बाहुबली प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू ने 10 दिनों में बम्पर कमाई कर ली है। साहू ने दुनिया भर में 400 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है। वहीं भारत में दूसरे वीकेंड में साहू ने 14.95 करोड़ रुपए बटोरे, जबकि पहले वीकेंड में पिछले छिछोरे के कलेक्शन 35 करोड़ जा सकते हैं। कलेक्शन बता रहे हैं कि देश में साहू की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार काफी धीमी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।